गुड आफ्टरनून, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज अभी मैं स्कूल से आ गई हूँ और तेजस आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए कपड़े बांध के ले जा रहा है, तो ये ले जा रहा है छत में। आज हम कपड़े सुखा रहे हैं, लेकिन मुझे जाना है जेठ जी के यहाँ, बुला रखा उन्होंने कुछ काम से। आज ये बड़ा वाला बक्सा खाली किया जा रहा है और इनको सुखाएंगे छत में सारे ठंडियों के कपड़े। ये देखिए रिया रानी निकाल रही है और फिर शाम को फिर तय लगा के रखेंगे ऊपर। तू नहीं लगाएगी? कोई बात नहीं, मैं लगा दूँगी, तो सुखा ले फिलहाल, ठीक है? तो ला कुछ मेरे पास, मैं वहाँ पे रख के चले जाऊँगी, फिर सुखा लूँगा। और डाल दो चार कपड़े। ये भैया चुप हो जाए, ये पैकेट वैकेट मत खुल जो आएंगे उनको मैं रख दूंगी छत में और फिर निकल जाऊंगी मैं वहीं से ऊपर। ये देखो सारे कपड़े मैं लाया हूँ सारे। ये तो आ रही है ना। अरे अरे यहाँ देखो कितनी सारी साड़ियाँ मम्मी के पास। ये देख रहे, एक भी नहीं पहनती कसम से। दुकान खोल दो मैं, एक दुकान। ये तो भैया की बुआरी के काम आएगी। हाँ भैया की बुआरी पहनेंगे पुरानी पुरानी साड़ी। क्या हो गया? तू मत पहन, तू तो रहने दे बेटे, साड़ी पड़ जाएगी सारी। तो दोस्तों ये सारे कपड़े हमने सुखा लिए हैं वहाँ से लेके और यहाँ तक सारे, और ये कुछ नीचे भी सुखा रखे हैं, ये देखिए सब सुखा दिए। चलो चले गई मैं, ओके बाय 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 बाय। और इधर देखिए इन लोगों ने भी सुखा रखे हैं कपड़े, नमी की वजह से बरसात में जो है यहाँ सीलन आ जाती है कपड़ों में थोड़ा बहुत, तो सारे कपड़े सुखाने पड़ते हैं ठंडियों से पहले यूज़ करने के लिए। तो सभी लोग आजकल कपड़े, रजाई, गद्दे सब सुखा रहे हैं। तो मेरे साथ भी रिया थी तो मैंने कहा सुखा लेते हैं, क्योंकि फिर उसने कल चले जाना है तो थोड़ी हेल्प तो वो मेरी कर ही देगी, और बाकी फिर परसों और अगले दिन देखते हैं कब कब सुखाते हैं। फिलहाल मैंने कहा बड़ा बक्सा खाली हो जाए, बाकी दीवान वगैरह तो हम कर ही लेंगे। तो अभी इन सीढ़ियों में जाना है ऊपर, और बहुत ऊपर जाना है, वहाँ तक जाना है, बहुत चढ़ाई है, हालत ख़राब हो जाती है चढ़ते चढ़ते। और आज धूप इतनी तेज़ हो रही है कि छाता भी है मैंने ले रखा, लेकिन फिर भी क्या है, पसीना पसीना हो रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत पसीना आ गया है। और बाकी ये चढ़ाई और सीढ़ियाँ हालत ख़राब करने के लिए बहुत है। और ये देखिए पहुँच गई मैं, ये है जेठ जी लोगों का घर, दीदी भी बाहर में दिखाई दे रही है। और देखिए दीदी यहाँ पर चावल बना रही है, थक लग गया भैया, चढ़ चढ़। नमस्कार, और ठीक ठाक? बढ़िया। तो सबसे पहले मिलवाते हैं आपको जेठ जी से, पहली बार आप देख रहे हैं सब जेठ जी को, अभी तक जेठ जी आए नहीं थे वीडियो में तो। और यहाँ पे आ गई हैं दीदी भी और नायसु, और ये मेरी जिठानी को तो आप जानते ही हैं, दीदी को भी जानते हैं। ये शुभम है, इधर चल बैठ कर आप। और ये शुभम है दीदी का सबसे बड़ा लड़का, मतलब हमारा सबसे बड़ा बेटा। और यहाँ पे हम सब अपने पर्सनल गप मार रहे हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी नहीं, बाद में फिर मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में, ठीक है? और ये देखो दीदी ले आई है, दीदी आई नहीं थी रक्षाबंधन में तो अब उनको। अच्छा आप बंधन आई? अच्छा चलो टीका लगा रही है दीदी। चलो शुभम को भी, हाँ। और ये मिल गया दीदी को अपना गिफ्ट, नायसु को भी मिल रहा है भाई। नायसु मुझे दे दे, नायसु ये मेरा है बाबू, मेरा है, ये मेरा है, दे दे, नहीं है मेरा। चलो चलो ठीक है ठीक है, लगाओ दीदी पर भी लगाओ भाई। अच्छा चलो ठीक भाई, बाय बाय। तो अभी मैं आ गई हूँ दीदी को छोड़ने, तो शुभम चला गया बाइक में, और मैंने कहा मैं पैदल ही चली जाऊँगी शॉर्टकट बीच के रास्ते। तो चलते हैं घर में और देखते हैं, रिया ने खाना वाना बना दिया होगा, फिर मिलते हैं। तेजस उठ जा, उठ चल कपड़े ले आते हैं। नहीं तो मैं इसका नाम भी डिस्क्लोज़ चल चल रही हूँ, उठ यार देर मत करो,
मेरे को भी तो थक लग रखी है। चलो धूप लग गई, उठो चल। मैंने तेरे देख लेना फिर, चल जल्दी। चलो 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 रिया और तेजस तो चले गए छत में, मैं भी जाती हूँ और फटाफट सारे कपड़े ले आते हैं। बहुत ज़्यादा धूप लग रखी है, बाप रे। अभी थोड़ी देर रहने भी देते, लेकिन इतनी धूप है कि सारे जो कपड़े हैं कलर फेड हो जाएगा उनका। ये साड़ियाँ गिर गई सारी, यहाँ देख ये तार टूट गई रे। देखा नहीं ना तुमने, आए नहीं तुमने तो आया नहीं ना तेजस, यहाँ पर मैंने बोला था वो कपड़े पलटना, नहीं पलटे तूने। देख ले कंच है तू। मैंने बोला था इसको। अब चलो लेके चलो, अब ऐसे एक कपड़े पलटे नहीं। बस तो बहुत गर्म हो गया, अंदर तक हो गई होंगी सुबह से। सुबह से क्या मतलब, दो घंटे तो हो गए होंगे ना। हाँ तो दो घंटे में काफ़ी गर्म हो गई होंगी, बहुत ज़्यादा धूप में भी नहीं रखना है। सब तार टूट गई, पता तुम आए नहीं यहाँ पर। देखो एक बार आना तो चाहिए। आप किसने कहा कि पहले इतने सारे कपड़े डालूँ? एक बक्से का तो डालने थे ना, एक बक्से के कपड़े एक तार में डालने थे आपने। तो अभी हमने ला के छत से सारे कपड़े फैला दिए हैं दोनों कमरों में, थोड़े ये ठंडे हो जाएंगे तब इनके तह लगाएंगे। यहाँ पे पूरा एक कमरा हो गया और ये रिया के कमरे में फैला दिए हैं सारे। ये देखिए सारे ऊपर से नीचे तक सब फैला रखे हैं, कुछ बाहर भी फैला रखे हैं दीवान के ऊपर। ये देखिए, और देखिए कितना पसीना पसीना आ गया है सारा, बुरी तरह बहुत पसीना। बाप रे इतनी गर्मी हो रही है, वैसे गर्म कपड़े, और जब ठंडे हो जाएंगे शाम को फिर इनकी तह लगा के रखेंगे, तब तक खाना खाते हैं हम लोग। और ये मंजुल अभी आ गई, और ये आ गए मरीज सिद्धू महाराज। हैं बताओ तबीयत बढ़िया नहीं है भाई? तबीयत बढ़िया नहीं है तेरी? मैंने तो पूछा ही, मैंने खुद बता दिया। मैं पूछने वाली थी ना, वो तो रखिया ठीक किया बता दिया। जा नीचे जा, तबीयत तो पूछ। हाँ बढ़िया नहीं है। चल चल ठीक है, वो है अब जरा वेट वाला। अब पहले ही वेट हाँ ले देख जरा कितना हो रहा है देख। तो 39 था लास्ट टाइम, कब किया? दो महीने पहले। कितना हो रहा है? 32 हो गया। देख भाई साहब देख रहे हैं, पहले ही बहुत ज़्यादा था, अब और ज़्यादा हो गया। हाँ बैठ इधर बैठ जा, पानी पीने जा रहा। चला भी जा रहा मेरे से। कैसे चला जाएगा? अरे बस बस खुश रहे, हो गया। तो ये सिद्धू महाराज हैं और इनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रखी थी, एम्स तक पहुँचे हुए थे। सब बाज़ार का खा के चाउमीन मोमो पिज्ज़ा हैं, घर के केक से कुछ नहीं होता, समझ गया? और आज आ रहा है, ये कितने दिन में आ रहा है? 10-11 दिन हो गए। देख आँखें देख कितने काली हो गई, देख रहे हैं कितने काले हो गए सारे के। डार्क सर्कल सोन इन दिया वहाँ डॉक्टरों ने। हाँ इंजेक्शन लगा रहे थे ग्लूकोज 11-12 इंजेक्शन वो लगे। अब जरा मैसेज दे कि बाहर की चीज़ खानी है कि नहीं खानी, जरा लोगों को बोल जो देखेंगे वीडियो अपने दोस्तों को। मत खाइए हाँ, नहीं तो मेरी तरह एम्स जाइए। एम्स सिंह जानता हूँ भाई, ग्लूकोज इतने लगते ना यहाँ पे ये देख रहे हो, ये नीला पड़ी है यहाँ पे पूरा। फिर अरे इमरजेंसी वार्ड में रहा ये 3-4 बड़े बड़े इंजेक्शन लगते इतने बड़े बड़े। फिर अरे एक साथ डाल रहे एक साथ ग्लूकोज सकते 11-12 भाई मत खाओ बारी नहीं है कम खाओ मतलब। अब के बार लिक्विड और जूस पी रहा है अभी खिचड़ी कुछ दिन, खिचड़ी पतली वाली है ना भैया। और ये तेजस भैया ले आया उनका सामान, चलो ठीक है। और इसके ना 2-3 दिन तो इसने हमारी ऐसे हालत ख़राब कर दी कि हमारी, हमने कहा पता नहीं क्या होता है, इतना भयंकर ये बीमार हो गया था। और अब ठीक है ठीक ठाक हो गया, परहेज करेगा बस। ये बैग इधर हटा दो, उधर मौसम जोर बढ़ जाएगा। स्प्राइट नहीं है पानी, अब नहीं पीना उसने कोई स्प्राइट ना। स्प्राइट वो क्या पी रहा था, लीची वाला क्या था वो? कौन सा लीची? वो जो लाल लाल पीता था तू? नहीं आइस्टिंग हाँ बहुत खतरनाक चीज है ना। अब सादा पानी पिएगा उबला हुआ। मौसा जी मंदिर है, मौसा जी भी तेरे मारे परेशान हो गए, कर तो कुछ नहीं सके, करना तो क्या था, किसी ने भी पर्याय की परेशान तो जाता आदमी कि चलो भाई ठीक हो जाए।
देख ले कितना वजन घटा तेरा। मेरा नौ क्यों, 7 वजन घट गया मेरा। 6-7 किलो घट गया ना, देख रहे हैं बिना फैट। फिर अब खाके भी नहीं बढ़ रहा था, वैसे भी बड़ी मुश्किल से बढ़ा था 9 किलो। 9:39 हो गया था। अब खाना वाना खा रहा है ना थोड़ा? मेरा भी तो 5 किलो हो गया था। तो खा ठीक है। और मंजुला बहन भी पहुँच गई। और बहन ठीक ठाक? नमस्ते जी। और ठीक है आप? मेरा खुश रहे, खुश रहे, खुश रहे। चल बैठ जा, पानी पिला दे मौसी को। ये तेजस पानी ला, बहुत कमजोर हो गया ये ना सिद्धू। बस दे ला, बस अब खाना वाना खाएगा, जरा पानी पिएगा, जूस वूस तो हाँ लिक्विड में ही है ना, ठीक हो जाएगा। 3 चक्कर लगाया मैंने, दोनों टाइम अरे मिंटू ये तेजस्वी है बस सबसे ज्यादा। तुम गया तो मैं लगातार गया ना, उसने कुछ नहीं किया क्या? खड़ी हो रखी, हाँ खड़ी हो रखी। देख रही इसके हाल, सीमा से बात कर रही, देख रही, देख रही इसके हाल ऐसा है। और रक्षाबंधन के दिन तो सिद्धू था नहीं, तो अब सिद्धू जो है राखी बंधवा रही है से। चल पहले सिद्धू बैठ जा, वो दाल पी ले। ओहो दाल ले ले, घेवर के नाम पे दाल, घेवर के नाम पे दाल, घेवर के नाम पे दाल। तेरी नौकरी लग जाएगी ना, प्याज के साथ देना। ठीक बोल रहे, ठीक बोल रहे। बेचारों में किस बेचारे। लो 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 ये भी है, ये भी मिठाई ले। मंजुला तू ले आएगा, लाओ तो। ये क्या इसमें, ये मिंटू ला रहा है, ये मैं ले जाऊंगा। ले मिठाई, चलो। तो मंजुला बहन भी गई अपने लगेज के साथ, बहुत सारा ला रखा है। तो दोस्तों अभी मैंने सारे कपड़ों की तय लगा दी है, देख लीजिए एकदम बेड साफ हो गया है। और मुझे बहुत ज़्यादा थक भी लग गई है आज, थोड़ी देर आराम करूँगी। और उसके बाद बस, तो मैं आज कटहल लाई थी, कटहल बनाएंगे, लेकिन अब कटहल वगैरह कुछ नहीं बना रही, बहुत थक लग गई है। और अब बनाएंगे हम पुलाव। तो दोस्तों बन गया हमारा पुलाव, और बनाई है मैंने दलिया। तो ये रिया और मेरा खाना है, रिया को दलिया नहीं खानी और मिंटू को अभी खाना ही नहीं खाना, वो बोला 1 घंटा बाद खाएगा, तो हम खा लेते हैं दोनों। चल बेरियो उठाओ, हाँ ले 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 ले, बुरा लग रहा है तो ले ले। मतलब ऐसे बुरा लग रहा है कि आपने बनाया? हाँ खाना चाहिए, पता है तेरे को। तो दोस्तों खाते हैं अब खाना, हमारा खाना बन गया है। और इस ब्लॉग को अब करते हैं यहीं पे एंड, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी लाइफ इंजॉय कीजिए। और आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, और यदि आप पहली बार चैनल में आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज, खाना बहुत टेस्टी है। गुड नाइट, शुभ रात्रि।